अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी सूप, जिसके लिए मैंने लिया है 2 छोटे साइज़ के मैगी के पैकेट को। इस तरीके से हम छोटे पीसेस में तोड़कर रख लेंगे। 2 टमाटर, छोटी कटोरी से हाफ कटोरी मटर, हाफ कटोरी बीन्स की फली, हाफ कटोरी गाजर, 1 शिमला मिर्च, मिर्ची, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट। गैस मैंने ऑन कर इस पर कढ़ाई चढ़ा ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मटर, गाजर और फली, और इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। एक छोटे चाय की चम्मच से मैंने नमक डाल लिया है, लाल मिर्ची पाउडर छोटे चाय की चम्मच से, 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट आप ताज़ा लीजिए, या तो अदरक और लहसुन को क्रश करके डालिए थोड़ा सा घिस कर। इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से मीडियम फ्लेम पर रखकर इसे टमाटर गलने तक और थोड़ी सी सब्जी पकने तक इसे अच्छे से पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, टमाटर और सब्जी हमारी थोड़ी सी पक चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। आधे लीटर के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये जो मैगी मसाला के पैकेट है, इसको हम काट कर इसमें ऐड कर लेंगे। शिमला मिर्च को हमने पहले नहीं ऐड किया था, अब हम इसमें ऐड करेंगे। शिमला मिर्च बहुत जल्दी पक जाती है, इसीलिए मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये मैगी के जो छोटे पीसेस हमने कर कर रखे थे, इसे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। सूप हमारा पक चुका है, मैगी भी इसमें गल चुकी है। अब हम इसमें 2 टीस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर पाउडर को मैं इस तरीके से घोलकर इसमें ऐड करूंगी। थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसे पकाएंगे। ये देखिए, कॉर्नफ्लावर पाउडर डालने के बाद इसमें एक अच्छी सी शाइन आ चुकी है और थोड़ा सा गाढ़ा भी हो चुका है। सब्जियों को हम बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़े से हम इसमें क्रंची ही रखेंगे। अगर आप, मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें काली मिर्ची का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो इसमें 1/2 टीस्पून के करीब आप काली मिर्ची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा सूप बनकर तैयार हो चुका है। इसे मैं आपको एक सर्विंग बाउल में निकाल कर बताऊंगी। मैगी सूप को मैंने एक सर्विंग बाउल में निकाल कर रख लिया है। आप इसे पीजिए, इसका मज़ा लीजिए, उसी के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके से आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। हेल्दी एंड टेस्टी मैगी सूप। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।